बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट हो रहा है और नहाया धोया तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। एक बज रहा और चाय नाश्ता हो ही चुका था, सोचा चलो छोटा मोटा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, ठीक है। अभी देखते हैं अंदर क्या बन रहा है, चलो। ओह, और ये कोकिला मोदी, इसकी वीडियो जो है इसके चैनल पे आ चुकी है, जाकर जरूर चेक करना। चैनल का नाम क्या है? हैं, वो मैं टैग कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का नाम। और यहाँ बन रही है अपनी ज़बरदस्त वाली चाय। और मैंने एक नया चैनल भी खोलिया, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, डोमिफ्ट के नाम से, DOMIFT। आप चाहे जैसे सर्च करोगे, एक ही चैनल है पूरा यूट्यूब पर, उसमें जो मतलब कि जो हमारी रॉ वीडियोज होती हैं, जो हम मतलब कि एडिट नहीं करते हैं, वो मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कल कोकिला मोदी वाली जो उसकी वीडियो थी वो मैंने डाली, तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो अच्छे ही बनते हैं। चलो फिर चाय बनती है, फिर नहाएंगे धोएंगे, टीवी देखेंगे। क्या बोले तू? क्यों लगा दूँ? खुद लगाओ। क्यों नहीं लगाती है? डर लगता है। चल लगा जाके जरा, चल दिखा जरा। और परसों तो बढ़ता है मेरा, 14 फरवरी को, क्या करेगी तू? तो संडे को करेंगे। संडे को करेंगे, आया मज़ा? क्या आया मज़ा? कौन सा संडे को करेगी? जब आपकी क्लासेस खत्म हो गई ना, तो शाम को करेंगे फिर। मनाओ। शाम को कहीं नहीं आ रहा मैं। तो कब करोगे? देखते हैं कब करेंगे। तो आप अगले संडे का प्लान कर लेना चुपचाप, और मेरे जो भी ये 14 दिन के सारे गिफ्ट है ना, इकट्ठे करके देना। ओए चुप कर तू, फालतू खर्चे की बात मत किया कर। चल ठीक है, फिर मैं बटुआ में से पैसे चुरा लूँगी। चल चल, क्या करी तू? मुझे बड़े भक्ति में आए थे कैमरा लेके। हाँ तो तूने सबूत तो मिटा दिया, अभी मेरे को कुछ आवाज़ आई थी, उसके बाद देखा तो यहाँ पर सब कुछ साफ सुथरा पड़ा है, कुछ सबूत मिटाया उसने। क्यों? चाय गिर गई थी ना थोड़ी सी, तो उसी की आवाज़ थी वो। आप कैमरा लेके आते उससे पहले सबूत मिटा दिया। पागल कहीं की, क्या कर रही है तू? मैं कहा आपसे ज़्यादा चाय ना कोई नहीं पीता होगा संडे को, पूरे दिन केतली चढ़ी रहती है चाय की। चल चल, और आज भी बनवाएंगे हम इसके गोभी के पकौड़े और इसके मोमोज भी खाएंगे। हाँ सब बनवा लो। भाई साहब अपना आप कैसा बंद हो रहा है ये? ओए रुक जा, इसके पैकेट डाल देते हैं, फंस जाएगा ना तो फिर बंद नहीं होगा। ओह 2 घंटे होगा, चाय नहीं बनी। 2 घंटे नहीं हुए, 5 मिनट हुए। कब का है? चाय दे। अब दो। क्या? मणि। क्या कर रही हो? पोहे बनाने। नहीं बनेंगे पोहे। गोभी बनेंगे। नहीं क्या पोहे थोड़ी सी सब्जी। मणि अब बोलो क्या बने? सब्जी बना। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। पोहे निकालो सी। इतनी बकलोली चल रही है ना भैया, आप कुछ नहीं बता सकते, मतलब कुछ भी। और मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है, देखो सही धूप धूप की निकली है। ये देखो देखो क्या है? चाय गरम, चाय गरम, पीने वाला बेशरम। वो खुद देख लो उसके हाथ में चाय है। आपकी चाय है ना भैया, आपकी है। क्या है? देखो आप दोनों पी रहे हो, आप दोनों बेशरम। बचपन में बोलते थे हम चाय गरम चाय गरम, हमें चाय नहीं मिलती थी तो बोलते थे पीने वाला बेशरम। हो गई भाग जा, मैं नहीं आ रहा कहीं। तो गाइस यहाँ पर चल रही है शूटिंग, आप देख सकते हो। इसका चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। और ये हम जो है नहा धोके तैयार हो चुके थे, और मैं ये रहा, और इसको देखो भाई साहब। तो ये देखो यही सब चल रहा है यहाँ पे, आज संडे है, इस तरीके से यूटिलाइज कराया जा रहा है। आया मतलब, चलो अभी खाना वाना खाते हैं फिर बैठते हैं अपना आराम से। खाना हो गया? क्या खाई? इडली, इडली लेकर आई थी देखो खाने के लिए, अपना तो खा लिया इसने। इतनी जल्दी कौन खाता है?
मैं खाती हूँ। अब क्या करेगी? छत पे जाऊंगी धूप सेकने थोड़ा सा। अच्छा तो गाइस अभी हम आए छत पे, खाना वाना खा के थोड़ी देर सोचा टहल लेते हैं। दो दिन तो बस ऐसे ही गए, कल का भी और आज का भी। क्या खा रही है? कौन सा लड्डू है? गोंद के लड्डू खा रही है। ये बहुत सारी फेविकोल लेकर आई थी, उसके बाद उसने इसने सारी फेविकोल को एक डोंगे में डाला। डोंगे में डालने के बाद सारे जो ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे करके मैशअप कर दिए और फिर उसको उबाल दिया, जिससे बन गया गोंद का लड्डू। फेविकोल नहीं होता वो, और क्या होता है? गोंद होता है। हाँ गोंद फेविकोल है वो वाला नहीं। गोंद के लड्डू खाइए, सर्दियों में खाने चाहिए। खा सर्दियों में गोंद के लड्डू। हाँ अभी मोमोज होते तो दोनों हाथ से खा रहे होते आप दोनों? क्या मैं जीप से खा रहा होता, हाथों की जरूरत नहीं पड़ती। कि पैरों से भी खा रहा होता। और यहाँ पर इसका ताजमहल बन रहा है, हमेशा आप इस वीडियो में देखते होंगे मेरे चैनल पर, ताजमहल बन के तैयार होने वाला है बस। और एकदम बढ़िया धूप निकली आज, कपड़े सूख रहे हैं और आज झंडा ऊँचा रहे हमारा। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और यही है हमारा एक छोटा सा ब्लॉग जो आज मैं शूट कर रहा हूँ, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे हम इन फ्यूचर में, जैसे जैसे ठंड कम होगी और गर्मी बढ़ना शुरू होगी, है कि नहीं? और फिलहाल सैटरडे संडे की रही बात, तो सैटरडे संडे का एक्चुअली मेरा शेड्यूल थोड़ा सा और टाइट हो गया है, ठीक है? एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी और चीज़ की, जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा वीडियो वगैरह शूट करने का, बट कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। आज हमारा प्लान था बाहर जाने का, लेकिन थकावट इतनी है कि भैया मन नहीं कर रहा। क्यों भाई क्या हो गया? आधे घंटे पहले तो जाना पड़ेगा आपको। क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? मैं कुछ सामान खरीदना है वो लेने के। तो गाइस अभी बज रहे रात के 11 और पूरा दिन बस ऐसे निकल गया। हम छत से जब आए थे खाना वाना खाया, उसके बाद टीवी वगैरह देखा, और ये छोटा सा हमने आज का जो ब्लॉग था वो आज कंप्लीट करा। इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब बाहर जाना था, इसको थोड़ी देर बाहर घुमा कर लाया था, बट मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि क्राउड बहुत था पब्लिक का। अरे हम जाने के लिए गए थे थोड़ी देर माइंड फ्रेश। तो बना है चिकन रोटी और हरी वाली सॉस, खाएं? इसका तो पेट भरा हुआ है, फिर भी ये कह रही थी मैं चलो खाऊंगी, क्योंकि इसको हर दिख गई हरी वाली चटनी, इसको हरी चटनी ज़्यादा पसंद है ना? सुने तो चलो यहीं करते हैं इस ब्लॉग की समाप्ति, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियोस को, ठीक है? ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और इसको देखो इंजॉय कर रही है हम सब अपना खाना, मैं भी करता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।